नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सत्ता संग्राम में। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के समय हम राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी के चुनावी विश्लेषण को आपके सामने लोआया चुनाव के जरिए लेकर आए थे। अब देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है, इसलिए अब हम देश और प्रदेश की राजनीति की दुनिया की खबरों का विश्लेषण आपके सामने सत्ता संग्राम के माध्यम से रखेंगे। तो चलिए सत्ता संग्राम की शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव की पहली खबर पर राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी के विश्लेषण के साथ। गजन सिंह शेखावत जी वैसे तो अच्छे प्रत्याशी हैं, मृदुभाषी हैं, यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन सामने वैभव गहलोत के आने से जी उन्हें भी बीच में राजसमंद भेजने की बात हुई थी, पर फिर यही माना गया कि राजपूत सीट के नाम पर राजसमंद भेज देंगे तो ये मैसेज जाएगा कि वैभव गहलोत के चुनाव मैदान में उतरने से वो भाग खड़े हुए, ठीक है ना, मैदान छोड़ दिया, इसलिए उनको वहीं डटा के रखा गया है। वहां पर मुझे अब लगता है कि पाली में कांग्रेस बद्री जाट को देने जा रही है, तो वैभव गहलोत का पलड़ा कुछ भारी नजर आ रहा है मेरे को जी। इसलिए भारी नजर आ रहा है कि अशोक गहलोत जोधपुर की नाक है, जोधपुर की शान है, और जोधपुर को 3 बार मुख्यमंत्री देने का सौभाग्य उन्हें मिला है, केंद्र में मंत्री रहे, सांसद भी रहे, तो जोधपुर जब वोट करेगा तो मुझे लगता है ये सेंटीमेंट भी वर्क करेगा कि अशोक गहलोत वोट मांग रहा है जी। वैभव गहलोत को बजाय लोग ये समझेंगे अशोक गहलोत वोट मांग रहा है। अशोक गहलोत के लिए सेंटीमेंटल है जोधपुर के लोग, उनकी प्रतिष्ठा मान मर्यादा को ध्यान में रखकर वहां वोटिंग होगी, इसलिए गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने भी कड़ी चुनौती पेश आ सकती है।